देखिए बहुत गलत है। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की लेकिन टेबल बेल दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। अगर इस प्रकार से बातें होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये वातावरण तैयार हो रहा है ऐसा तो महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। क्या लग रहा है कि लालू अगर जल्द सुधार नहीं करते तो बीजेपी के लिए बड़ा? देखिए ये तो मसला कोर्ट के सामने है, कोर्ट तय करता है कि बेल मिले या न मिले। लेकिन कुल मिलाकर आरजेडी हो या उसका नेतृत्व हो, उनके प्रति जनता का मोह भंग हो चुका है और अब जनता ये पूरे तरीके से मानती है कि विकास की राजनीति देश को आगे ले जा सकती है और वो राजनीति एनडीए करती है। एनडीए जो हमारे गरीब है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ऐसे सभी को साथ में लेकर उनके विकास की योजनाएं तैयार करती है। और इसलिए मुझे लगता है वो बाहर रहे चाहे अंदर रहे, चाहे यहां रहे चाहे वहां रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।